वानिया, आप कहाँ जा रही हैं आज? स्कूल जा रही हैं? अच्छा, रोएंगी तो नहीं ना? हाँ, सबको बाय बाय कर दो, सबको बताओ कहाँ जा रही हो। हाँ, और अपना लंच बॉक्स दिखा दो। ये देखें भाई, मेरी बेटी का लंच बॉक्स है, और इसमें मम्मा ने क्या डाला है ये दिखाइए, इतनी प्यारा वाला। और बैग तो दिखा दो अपना, बाबा बैग भी दिखाएं। रखो रखो यहाँ पे, ये देखें भाई, हटो 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 यहाँ से। वानिया खोलेगी यानी खोलो, ओपन करो, ओपन इट। ये मेरी वानिया का बैग है, और ये है मेरी वानिया का लंच बॉक्स। ये देखें भाई, चिप्स, केक और मेरी बेटी की बॉटल। वानिया क्लोज क्लोज, वेरी गुड, बंद करें इसको यहाँ से भी। चलें भाई, वानिया तो बहुत एक्साइटेड है। चलें वानिया, अपना बैग भी पहने चलें आप। अच्छा, के बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज। टीचर को क्या बोलोगी? शाम को लोगी टीचर को? कैसे करोगी टीचर को? अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टीचर। अच्छा, बैग दिखा दे अपना, मुड़े पीछे से मुड़े। वाह, चलो भाई, इतना खुश माय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पहले से फर्स्ट डे तो बहुत खुश थी वानिया, सेकंड डे थोड़ा सा हो गई थी उदास, लेकिन ये है कि मिसों ने फिर ये कि प्यार वगैरह किया, तो सेकंड डे भी फिर चली गई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इनका स्कूल है, फर्स्ट लेवल है। कितनी मेहनत करते हैं स्कूल वाले, ये देखें जरा, माशाल्लाह कितना प्यारा बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरेगा। स्कूल का नाम मोहम्मद इजहर है, और इनके कैंपस की एक ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि ये बॉयज़ को अलग क्लास में बिठाते हैं और गर्ल्स को अलग क्लास में। एक साथ सेकेंडरी है लेकिन एक साथ नहीं बिठाते गर्ल्स एंड बॉयज़ को, दोनों के सेक्शंस अलग अलग होते हैं। कि जैना आप भी इसी स्कूल में हैं, वो दूसरे कैंपस में चली गई हैं। तीन कैंपस हैं इनके, ये जो है ये मॉन्टेसरी कैंपस है, इसके बाद फिर इनके स्कूल के बिल्कुल सामने ही जो बड़ा सा कैंपस है वो प्राइमरी कैंपस है, और इसके अलावा जो है इनका एक और कैंपस है जो सेकेंडरी कैंपस है। सब अलग अलग हैं। वानिया को छोड़कर आ गए हैं हम स्कूल से, बस अब हम नाश्ता करने लगे हैं। रात को मैंने अंडे आलू बनाए थे, अभी साथ में मैंने पूड़ियाँ तल रही हैं। रात को दूध गिर गया था, अब साफ करूंगी। बस आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लें, बस इसके बाद काम वाम करेंगे अपना घर का। मैं तो बहुत डर रही थी वानिया कहीं जो है ना रोए नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वानिया रोई नहीं, शुक्र है अल्लाह का। ये तो मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मैंने नज़र उतार के उसकी भेजी, सदका भी उतारा। जैना भी बहुत खुश थी, आज फर्स्ट डे था उनका भी। वो पहले चली गई थी क्योंकि वानिया का थोड़ा लेट स्कूल था, फर्स्ट डे था ना आज, तो 9 बजे स्कूल इनका स्टार्ट हुआ है, 9 o'clock, और छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी आज 2 बजे तक, 11 बजे तक उसकी 2 घंटे में छुट्टी हो जाएगी। जैना अपने टाइम से आएंगी, वही 1:30-2 बजे जो आती हैं वो, और गई भी अपने टाइम से थी। माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश थे, आज फर्स्ट डे था स्कूल का। वानिया आ गई, वानिया रोई तो नहीं?
क्या है अब्बू के साथ आई है मेरी बेटी? क्या कह रहे हैं? हाँ क्या है? रही होंगी नींद में। अपना स्टार दिखाइए वानिया। वाह इतना प्यारा, ऐसे दिखाइए ना, परी लग रही हैं आप तो। पकड़ो, वेलकम वाला स्टार मिला था। गुड, कैसा लगा स्कूल जाके? मजा आया था? मिस कैसी हैं आपकी? चलो आप वॉशरूम चलो। हाँ जी वानिया, आदिल लिख दिया मिस ने सेक्शन बी। दिखाइए मुझे अपना लंच बॉक्स खाली किया है कि नहीं किया, दिखाइए हटो मैं देखूं। अल्लाह वानिया सब ये देखें भाई, सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, कुछ भी नहीं इस लड़की ने खाया ना, नगर ज़रा सा चक मारा हुआ है, पानी की बॉटल भी वैसे ही फुल है। वानिया बेटा आपने कुछ भी नहीं खाया बेटा, क्यों नहीं खाया? खाना था ना मेरी जान। बताओ मिस ने क्या पढ़ाया? अलीफ पढ़ाया था। और मिस ने क्या पढ़ाया था? वन। हाँ पापड़ खाया आपने, सारे आपके दांतों में पापड़ लगा हुआ। अब इनका घर पे आके लंच हो रहा है, ये देखें जरा, ये अभी केक खा रही है और अब इन्होंने एक दो चिप्स खाए हैं, और सुबह में बार बार बस चिप्स मांगे जा रही थी मुझसे कि मम्मा चिप्स दे दें, मम्मा चिप्स। आज तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं मिला। दे रही हूँ, ये लो ना खाओ। और केचप स्कूल के लिए लेके जाओगे जाना? अच्छा जल्दी से खा लो, कोई बात नहीं, इसके अंदर डाल दो। तुम्हारे बहन भाई क्यों चीज लाई हो? दिन कैसा गुजरा पहले ये बताओ। उफ अल्लाह, ये देखें भाई आप भी लेकर आई हैं इनकी चीजें। सेव करके रख लेंगे इस तरह से बॉक्स में, एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीजर में रख लें आप, एक से दो हफ्ते के लिए बस रखें, और उसके बाद फ्राई करके बच्चों को दे दें। मज़ेदार से कटलेट बनाने लगे हैं आज, बहुत ही टेस्टी। स्कूल लंच के लिए बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, तो आपको इस तरह के स्नैक्स की बहुत ज़रूरत होगी मेरी तरह। मैंने गीला कर लिया है ब्रेड को, और इस तरह से मैं चार से पांच पीस, छोटी ब्रेड है ये, और आलू भी तकरीबन चार थे, तो मैं ये इसको निचोड़ निचोड़ के इसके अंदर जो है ना मिला लूँगी। और बहुत ही मज़ेदार सी ये बच्चों के स्कूल लंच के लिए होते हैं, वो बना रही हूँ लंच के लिए इस तरह से जो है ना। निचोड़ के जो है ना, निचोड़ के यूज कीजिएगा इस तरह से। ये काफी सारे, थोड़ी सी क्वांटिटी में काफी सारे कटलेट्स बन जाते हैं बच्चों के लिए, और बहुत ही मजेदार बच्चों को लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये बच्चों को, बहुत ही मजे से बच्चे खा लेते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, थोड़ा सा बाकी मसाले डालूंगी। ये वाइट चाट मसाले के नाम से आता है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला लगता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, इसमें सौंफ होती है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च होती है, काली मिर्च, और इसमें सबसे मेन जो है चिकन पाउडर डाला होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चिकन पाउडर लाजमी डालिएगा, और लहसुन पाउडर भी डालिएगा। वन टेबल स्पून है, सॉरी ये वन टेबल स्पून मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लिए। चिकन पाउडर लूँगी, छोटे बच्चों के लिए बनाएंगे तो लहसुन पाउडर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा पेस्ट जो होता है वो बच्चों के मुंह में अगर आ जाए तो बच्चे बहुत बुरा फील करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, अगर वाइट पेपर हो तो वाइट पेपर डाल दीजिए, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक क्योंकि मेरे चाट मसाले में भी है जो मैंने वाइट वाला यूज़ किया है, आपके पास अगर नहीं है तो आप चिकन पाउडर और थोड़ी सी आप जो है ना दूसरा चाट मसाला डाल लीजिएगा, तो उससे ये कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस और ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डालेंगे, हरी मिर्च वगैरह मैं नहीं डाल दी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए स्कूल लंच में जो भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं खा पाते। अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, और फिर इसको कोई सी भी शेप आप दे सकते हैं, और अंडा और ब्रेड क्रम लगा के हम इसको तलेंगे। दो बड़े साइज़ के आलू और चार ब्रेड स्लाइसेस के, माशाल्लाह कितने सारे आपके कटलेट्स बन जाते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अंडा लगा के इस पर तल लें, या ब्रेड क्रम अंडा दोनों, बहुत ही मज़ेदार सा लंच बॉक्स बच्चों का रेडी हो जाता है। तो इसी काली मिर्च और नमक डाल देंगे इसमें, थोड़ा जायका अच्छा आ जाता है। ये मैंने ब्रेड क्रम बना लिए हैं, दो ब्रेड स्लाइसेस को मैंने ब्लेंडर में कर लिया है, और ये अंडा और दूध है।
अंडे में कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम में कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। ब्रेड क्रम लगा के आप एक थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो ब्रेड क्रम फैलते नहीं है। उसको कम से कम 10 से 15 मिनट अगर छोड़ दें तो कभी भी नहीं फैलता। हमें तो अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इस वजह से हो रहा है, थोड़ा सा ही फैल रहा है। तो प्यारा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ रहा है इस पर, ये बहुत ही मज़े के अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। और इसमें जो वाइट चाट मसाला मैंने डाला है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको मिले तो आप वो ज़रूर लेकर आ जाएं अपने घर पे। इसमें चिकन पाउडर और भी सारी चीज़ें होती हैं। क्रिस्पीपन इसके चेक कीजिए और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। बच्चों को केचप से दें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।